नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर और लाल मिर्च की चटनी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। ये आप दाल के साथ या सब्जी के साथ भी इसको आराम से खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 5 से 7 टमाटर ले लिए हैं। इनको ब्लांच करके मैंने ठंडा कर लिया है। अब हम इसको पीसेंगे। साथ ही इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च की, जो 10 से 12 के करीब लाल मिर्च है, और 15 से 20 ही इसमें कलियां हैं लहसुन की। हम इनको लाल मिर्च को इसको भी हमें ब्लांच करना है, तो हम इसको ब्लांच करके आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये लाल मिर्च को जो है थोड़ा सा बॉईल कर लिया 5 मिनट के करीब। अब ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गई है, तो अब हम इसको इस गैस कर देते हैं बंद और हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे पीसेंगे। तो इसको ग्राइंडर जार में निकाल लेता हूँ। फ्रेंड्स, हमारा पैन गरम हो गया है। हम इसके अंदर करीब 2 बड़े स्पून ऑयल के डाल रहे हैं। इससे पहले हमने जो टमाटर ब्लांच किए थे उनको ठंडा करके हमने पीस लिया था। ये देखिए, उसकी पेस्ट बना ली है मैंने। इसके साथ ही लाल मिर्च और लहसुन जो हमने वो भी ब्लांच किए थे उनको भी हमने इसकी भी पेस्ट बना ली है, इसको भी ग्राइंड कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। हम इसके अंदर थोड़ी सी डाल रहे हैं हींग। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा जीरा। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं जो हमने मिर्चें पीसी थी, लाल मिर्च पीसी थी और लहसुन पीसा था। हम उसको फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि टमाटर की और मिर्च की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी हमने 2 लार्ज स्पून जो है ऑयल के लिए। इसका रीज़न ये है कि अगर जब हम तेल ज़्यादा लेते हैं तो ये ज़्यादा दिन तक चल सकती है, जल्दी ख़राब नहीं होती है। आप इसको, इस चटनी को 10 से 12 दिन 15 दिन तक आप कुक में रख के चला सकते हैं, ख़राब नहीं होती, बहुत टेस्टी होती है। मिर्च हमने डाली थी, ये भुन रही है, इसमें करीब 2 मिनट और लगेंगे। इसके बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगा टमाटर। तो लाल मिर्च हमारी सिक गई है। आप देखिए कितनी अच्छा इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें तेल भी सारा छोड़ दिया है। वैसे ये इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, साइन है कि ये अच्छी तरह सिक गई है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ टमाटर के लिए। जो टमाटर हमने ब्लांच करके पेस्ट बनाई थी वो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, डाल दिया है। अब मैं इसके साथ ही इसके अंदर ऐड करूंगा नमक। इसमें नमक मैंने मिला दिया है। नमक भी इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी में ज्यादा डलता है, ये प्रिजर्वेशन का काम करता है सॉल्ट भी, इसलिए मैंने इसमें डाला है। अब इसको हम अच्छी तरह पकने देते हैं। इसकी हम लीड लगा देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उछलती है, इसमें छींटे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको हम ढक के और आंच इसकी मीडियम कर देंगे, उसके बाद हम इसको सेकेंगे। इसको फ्रेंड्स बीच में लीड हटा के एक बार चेक करना पड़ेगा। ये 10 से 15 मिनट लेगी सिकने के अंदर, लेकिन इसको बीच बीच में थोड़ा सा चलाना जरूर पड़ेगा। तो एक बार इसको चला देते हैं, पानी की पोजीशन देख लेते हैं क्या है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी में ऐड करूंगा, इसको चला के वापस ढक देते हैं, क्योंकि ये बिना ढके तो सारा आपकी किचन को गंदा कर देगा।
तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी टमाटर की चटनी एकदम बनके तैयार है। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, इसने अब ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी इसके अंदर 2 से 5 मिनट करीब और लगेंगे, पूरा तेल इसके अंदर सारा ऊपर आ जाएगा, तब करेंगे। इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। 2 से 5 मिनट के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी, फिर मैं इसको आपको मैं बताता हूँ कैसे। तो तैयार है दोस्तों हमारी टमाटर की और लाल मिर्च की चटनी। देखिए इसने सारा तेल भी छोड़ दिया है, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसकी इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगा थोड़ा सा नींबू का रस, करीब 1.5 टी स्पून। नींबू का रस डालने से एक तो इसके अंदर एक टैंगी सा टेस्ट आएगा, सेकंड इसको रखने में भी मदद मिलेगी। आप इसको 10-12 दिन 15 दिन आराम से रख के थोड़ा थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, ये खराब नहीं होती। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी टमाटर और लाल मिर्च की चटनी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।